नवीन दहिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो पेपर हुआ था बीएड फर्स्ट ईयर का सीडी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर था, पेपर फर्स्ट। जून में आपके जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से बीएड फर्स्ट ईयर के। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं, एक पेपर हो चुका है 4 तारीख को हुआ था और आज पेपर था बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो पेपर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 80 मार्क्स का था और जो टाइम था आपका 3 आवर्स का टाइम था। आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे पूरे पेपर में, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था वो तो करना था सबको, लेकिन नेक्स्ट 4 यूनिट में आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। 2 क्वेश्चन आपको गिवन थे, 1 ऑप्शनल था और जो भी आपको अच्छे से आता है वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपलसरी था। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चाइल्डहुड, सेकंड है लर्निंग डिफ़िकल्टीज, थर्ड है रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, फोर्थ है बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। ये 4 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चंस थे, टोटल 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। हिंदी में है बाल्यावस्था पर माता पिता की परवरिश का प्रभाव, ये बताना था आपको 4 मार्क्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में पूछा गया आपकी बार 17 में, ये 16 मार्क्स में आया था और अब आया है ये 2019 में 4 मार्क्स में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को फेर बदल करके जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में है 16 में या 4 में, इस तरह से ही क्वेश्चंस को डाल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है अधिगम की कठिनाइयाँ, थर्ड है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका, और फोर्थ है प्रताड़ना बुलिंग तथा बाल शोषण क्या है, किस तरह से बच्चों पर शोषण किया जाता है वो आपको बताना था 4 मार्क्स में। फिर आपके फर्स्ट यूनिट, व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, व्हाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन नेसेसरी फॉर टीचर्स, डिस्कस द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हाँ देखिए, हिंदी में है ये वंशानुक्रम तथा वातावरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए ये जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन को ऐड करके एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया है। पहले तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन एमडीयू में भी आया हुआ है, अभी जो जून में पेपर हुए थे एमडीयू के क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट हुए हैं इस बार सीआरएसयू में, ठीक है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि भाई पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं एमडीयू के, तो एक बार पेपर मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी मैच होते हैं, ठीक है, जो अभी एमडीयू में पेपर हुए थे सीडी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस एंड मेंशन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस डेवलपमेंट, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसके प्रभावित करने वाले तत्व का वर्णन कीजिए। एक बच्चा होता है जो शिशु होता है, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक का सामाजिक विकास किस तरह से होता है वो बताना था, और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं वो आपको बताना था 16 मार्क्स में। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये देखिए हम भी पहले बच्चे थे अब बड़े हो चुके हैं, तो हमारी लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लाइफ में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले आपको तत्व बताने थे 16 मार्क्स में। उसके बाद सेकेंड यूनिट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों तथा शैक्षिक महत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसी में से क्वेश्चन आया था एमडीयू में अभी जो पेपर हुए थे और 16 मार्क्स में ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्ले इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन।
खेल खेल बालक के व्यक्तित्व के सभी अंगों को प्रभावित करता है। खेल बालक के व्यक्तित्व के सभी अंगों को प्रभावित करता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दी इन्होंने और आपको इसको प्रूफ करना था। और शिक्षा में खेल विधि का क्या महत्व है ये आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खेल से ही सीखते हैं। अनुशासन में रहना, दूसरों की बात मानना और ग्रुप में किस तरह से रहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम गेम से ही सीखते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी एजुकेशन में, वो आपको बतानी थी 16 मार्क्स में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये जो खेल वाला है यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बिल्कुल, टॉपिक फर्स्ट एंड टॉपिक लास्ट सेकंड यूनिट से यहीं से MDU में भी पूछा गया था और यहीं से आपका CRSU में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 3, डिस्कस इन डिटेल साइन लर्निंग थ्योरी प्रोफाउंडेड बाय टोलमैन। टोलमैन के साइन लर्निंग अधिगम के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए टोलमैन जो थ्योरी है वो आपकी MDU में भी आई थी, अभी जो एग्ज़ाम हुए थे टोलमैन ने एक काफ़ी ग्रुप में चूहे जो होते हैं रैट उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से जो सीखा जाता है। उन्होंने एक टीमेज बनाई थी इनकी थ्योरी का, अगर हम बात करें तो टीमेज थी इनकी थ्योरी। और इन्होंने क्या किया था, 3-4 चूहों को एक पजलिंग बॉक्स में डाल दिया था और ये देखा था कि कौन सा चूहा सबसे पहले जाता है या फिर कौन सा सबसे पहले अपना रास्ता कवर करता है, कितना कम टाइम लगाता है, ये सब इसकी टोलमैन की थ्योरी थी। ठीक है, MDU में भी पूछा था और अब CRSU में भी पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट 3 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्कस द ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, लर्निंग पूछ रखी है डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर के 16 मार्क्स में। उसके बाद है आपका 4th यूनिट है आपकी और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यू मीन बाय डिप्रिवेशन, डिस्कस चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। वंचित बालकों से आपका क्या अभिप्राय है, गरीबी तथा भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था के विस्तार से व्याख्या कीजिए। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे 4th यूनिट में। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज। वैश्वीकरण शहरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तन का बच्चों की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के निर्माण व अनुभव में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आपको व्याख्या करनी थी 16 मार्क्स में। ठीक है, तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर, जो काफ़ी मिलता जुलता है B.ed के MDU का जो पेपर हुआ था उससे। अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट की तो क्वेश्चंस मिलते हैं, 3rd यूनिट का भी 12th का क्वेश्चन मिलता है इसमें, तो क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए हैं। अगर हम लास्ट ईयर CRSU के भी हम बात करें पेपर की, तो CRSU के जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को रिपीट करना, उनको देखना कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन उसी टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको बस पता चल जाए यहाँ से इस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये CD का पेपर था। और नेक्स्ट जो आपके टीचिंग के सब्जेक्ट हों उसके एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।